Good afternoon, students. Let's start our lecture. Alright, within previous lecture, we have seen many controls, right? So we will continue with the same thing, right? That is server controls, more precise, web server controls, right? Alright, now the control that we are going to see is the literal control, right? Aap yahan pe uska appearance dekh sakte ho. It is similar to label control, but it is not same. Again, I repeat, it is similar to label control, but it is not same. Because label control ke andar hum jo text display karenge, right, uske upar hum style bhi apply kar sakte hai. But the text that we will display with the help of this literal control, right, uske upar hum koi style apply directly nahi kar sakte. Because uske saath aisi koi properties available nahi hai. Right? Good enough. So, हम ऐसा कह सकते हैं कि लिटरल कंट्रोल हम कहां पे यूज करेंगे. अगर हमें हमारे वेब पेज के ऊपर कोई टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए लोकेशन रिजर्व करनी है, राइट, अगेन आई रिपीट, लोकेशन रिजर्व करनी है, तो वहां पे हम ये लिटरल कंट्रोल का यूज कर सकते हैं. दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड दैट इट इज सिमिलर टू लेबल कंट्रोल. इट इज नॉट सेम एज लेबल कंट्रोल, राइट. एंड ASP के अंदर उसके रिलेटेड जो टैग अवेलेबल है, that is ASP colon literal, and there is only one property that is related to this literal control, that is text property. Again I repeat, there is only one property within this literal control, that is text property. Because jaise maine aapko bataya, hum uske upar koi bhi style ya fir koi bhi dusri cheez apply nahi kar sakte. It will just reserve the location for the text that we want to display on our web page, right? Good enough. Now the next control is image control, right? अगर हमें हमारे वेब पेज के ऊपर कोई इमेज डिस्प्ले करनी है तो वहां पे हम ये इमेज कंट्रोल का यूज कर सकते हैं, राइट. एंड अगेन द टैग दैट इज रिलेटेड टू दिस इमेज कंट्रोल इज ASP colon image, एंड HTML के अंदर जो टैग अवेलेबल है दैट इज ऑब्वियसली img. बिकॉज हम img टैग का यूज करके हम HTML के अंदर इमेज डिस्प्ले कर सकते हैं. मोर प्रिसाइज सपोर्टेड फॉर्मेट वाली इमेज हम डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट. गुड एनफ. नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज कंट्रोल इज, फर्स्ट इज अल्टरनेट टेक्स. मतलब अगर वहां पे इमेज अवेलेबल नहीं है और उसकी जगह हमें वहां पे कोई टेक्स डिस्प्ले करना है तो हम ये अल्टरनेट टेक्स प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इमेज अलाइन, राइट. नाउ दिस इमेज अलाइन इज रिलेटेड टू अदर एलिमेंट्स ऑन द वेब पेज. अगेन आई रिपीट, ये इमेज अलाइन प्रॉपर्टी किसके साथ वर्क करेगी, अलाइनमेंट कौन से दूसरे, मतलब किसके कौन सी एंटिटीज के साथ रिलेशन में सेट करेगी. इट इज रिलेटेड टू अदर एलिमेंट्स ऑन द पर्टिकुलर वेब पेज, राइट. अगर मैंने पैराग्राफ एंड इमेज दोनों को साथ में लिखा है तो अगर मुझे इमेज लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए एंड पैराग्राफ राइट हैंड साइड पे चाहिए तो उस हिसाब से मैं ये इमेज अलाइन प्रॉपर्टी सेट कर सकती हूँ, राइट. नेक्स्ट इज इमेज URL प्रॉपर्टी. ऑब्वियसली जैसे img टैग के अंदर src एट्रीब्यूट है कि जिसके अंदर हम पाथ सेट करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर इमेज, वही चीज हम ये इमेज URL प्रॉपर्टी के अंदर सेट करेंगे, दैट इज द पाथ ऑफ द इमेज. नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन URL, राइट. अगर हमें ये पर्टिकुलर इमेज के रिलेटेड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना है और वो डिस्क्रिप्शन कोई पर्टिकुलर लोकेशन या फिर आप उसे पेज भी कह सकते हो, राइट, वहां पे अवेलेबल है तो वो URL हम ये डिस्क्रिप्शन URL प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकते हैं ताकि हमें वहां पे अगर डिटेल डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले करना है देन दैट विल ऑल्सो बिकम पॉसिबल, राइट. नाउ there is one another control, that is image map control. Again I repeat, there is one another control, that is image map control, right. Now what is the significance of this image map control? See, agar aap ye image map control dekhoge to appearance dono ka same hai, image control ka aap dekho and yahan pe image map control ka aap dekho, right, dono ka appearance same hai but wo kis hisab se work karega that is different, right. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ, राइट. आप एज्यूम करो कि यहाँ पे इंडिया का मैप है, राइट.
यहाँ पे इंडिया का मैप है और हमें राइट एज्यूम दिस इज द मैप ऑफ इंडिया. यहाँ पे गुजरात है आपको पता है, फिर यहाँ पे मे बी पॉसिबल राजस्थान आएगा, नीचे दूसरे स्टेट्स है राइट. ये जो इंडिया के मैप की जो इमेज है वो मैंने ये इमेज मैप कंट्रोल के अंदर सेट कर दी है. नाउ व्हाट आई वांट टू डू, जब यूजर गुजरात के ऊपर क्लिक करे तो वो पेज के ऊपर नेविगेट हो कि जिसके अंदर गुजरात के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है. अगर यूजर राजस्थान के ऊपर क्लिक करे तो वो पेज के ऊपर नेविगेट हो कि जिसके अंदर राजस्थान स्टेट की इंफॉर्मेशन है. लाइकवाइज जिस हिसाब से जो लोकेशन के ऊपर जो स्टेट के ऊपर राइट यूजर क्लिक करेगा उस हिसाब से मुझे यूजर को नेविगेट करवाना है ताकि मैं वो पर्टिकुलर स्टेट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन यूजर को डिस्प्ले कर सकूं. देन दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज मैप कंट्रोल. अगेन आई रिपीट, दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज मैप कंट्रोल. और आप ये जो स्टेट के हिसाब से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रीजियंस क्रिएट करोगे, दिस रीजियंस विल बी नेम एज हॉटस्पॉट रीजियंस. अगेन आई रिपीट, दिस रीजियंस विल बी आइडेंटिफाइड एज हॉटस्पॉट रीजियंस. हॉटस्पॉट रीजियंस मतलब ऐसे रीजियंस के जिसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो वो हमें स्पेसिफाइड यूआरएल के ऊपर नेविगेट करके दे देगा ताकि हम कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर दूसरी कोई इमेज अगर हमें डिस्प्ले करनी है तो वो हम डिस्प्ले कर सकते हैं राइट. एंड द टैग दैट इज अवेलेबल रिलेटेड टू ASP.NET इज ASP:ImageMap एंड HTML के अंदर जो उसके रिलेटेड टैग है दैट इज मैप टैग. अगेन आई रिपीट, HTML के अंदर जो उसके रिलेटेड टैग है दैट इज मैप टैग राइट. ओके, सो यहाँ पे वही एक्सप्लेनेशन है कि जो मैंने ऑलरेडी अभी आपको इंडिया का मैप ड्रॉ करके बताया राइट. गुड इनफ. सो द प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली हॉटस्पॉट रीजन क्रिएट करने के लिए प्रॉपर्टी होगी एंड हॉटस्पॉट मोड मतलब उसका बिहेवियर क्या होगा. जब यूजर वो पर्टिकुलर हॉटस्पॉट रीजन के ऊपर क्लिक करेगा तो उसका बिहेवियर क्या होगा वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम हॉटस्पॉट प्रॉपर्टी को ध्यान में रखें तो हम वहां पे सर्कल के हिसाब से हॉटस्पॉट क्रिएट कर सकते हैं, रेक्टेंगल के हिसाब से हॉटस्पॉट क्रिएट कर सकते हैं, पॉलीगॉन के हिसाब से हम वहां पे हॉटस्पॉट क्रिएट कर सकते हैं. इफ वी कंसिडर सर्कल तो ऑब्वियसली हमें वहां पे 3 वैल्यूज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, दैट इज रेडियस एंड कोऑर्डिनेट दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो उस हिसाब से वहां पे सर्कल ड्रॉ हो जाएगा राइट. या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि सर्कल हॉटस्पॉट रीजन वहां पे क्रिएट हो जाएगा. नेक्स्ट इज रेक्टेंगल. ऑब्वियस बात है अगर हम ये पर्टिकुलर रेक्टेंगल को कंसिडर करें राइट तो टॉप राइट एंड बॉटम लेफ्ट. अगेन आई रिपीट, टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट हम ये 4 कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करेंगे तो उसके ऊपर से हम ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं. सो दैट इज दिस प्रॉपर्टीज के जो अगर हमें रेक्टेंगल हॉटस्पॉट क्रिएट करना है तो उस हिसाब से हम वहां पे वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे. नेक्स्ट इज पॉलीगॉन. पॉलीगॉन के अंदर तो ऑब्वियसली बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं बिकॉज पॉलीगॉन हम कैसा क्रिएट करना चाहते हैं उस हिसाब से हम वहां पे सेट करेंगे राइट. बिकॉज हेक्सागॉन हो सकता है, हेप्टागॉन हो सकता है, ऑक्टागॉन हो सकता है, पॉलीगॉन बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं राइट. तो इसीलिए हम यहाँ पे उस हिसाब से कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करेंगे राइट. सो दैट इज रिलेटेड टू हॉटस्पॉट कि हमें हॉटस्पॉट रीजन कौन से शेप में क्रिएट करना है. अगेन आई रिपीट, हॉटस्पॉट रीजन हमें कौन से शेप में क्रिएट करना है. एंड नेक्स्ट इज हॉटस्पॉट मोड मतलब हम वहां पे ये हॉटस्पॉट का जो बिहेवियर होगा वो हम वहां पे सेट कर पाएंगे जब भी यूजर वो पर्टिकुलर हॉटस्पॉट के ऊपर क्लिक करे तब. फॉर एग्जाम्पल इनएक्टिव रखना है मतलब वहां पे कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करना है तो भी हम कर सकते हैं, पोस्ट बैक करवाना है तो वो भी हम कर सकते हैं, और अगर हमें कोई दूसरे पेज के ऊपर नेविगेट करवाना है तो वो भी हम यहाँ पे बिहेवियर सेट कर सकते हैं. सो दिस ऑल्सो टोटली डिपेंड्स कि हम कौन सा बिहेवियर सेट करते हैं उस हिसाब से ये हॉटस्पॉट वर्क करेगा राइट. ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट कंट्रोल इज फाइल अपलोड कंट्रोल.
अगेन आई रिपीट, नेक्स्ट कंट्रोल इज फाइल अपलोड कंट्रोल. एज द नेम सेज, अगर हमें क्लाइंट के पास से कोई फाइल सिलेक्ट करवानी है ताकि हम वेब सर्वर के ऊपर उसे अपलोड कर सके, राइट, तो हम वहां पे ये फाइल अपलोड कंट्रोल का यूज करेंगे. जैसे हमने स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, राइट, हमने ये फाइल अपलोड कंट्रोल देखा था कि जिसका यूज करके हमने स्टूडेंट की इमेज अपलोड करवाई थी, राइट. ओके, नाउ ऑब्वियसली फाइल कहाँ से अपलोड करनी है, लोकल कंप्यूटर से अपलोड करनी है, राइट. तो जब भी यूजर ये ब्राउज बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो वहां पे फोल्डर ब्राउजर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और वो ब्राउजर डायलॉग बॉक्स में से हम जो फाइल सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल के अंदर अपीयर हो जाएगी, राइट. ये जो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है फाइल अपलोड कंट्रोल के अंदर, वो वहां पे अपीयर हो जाएगी. एंड आफ्टर दैट हम उसकी प्रॉपर्टी एंड मेथड का यूज करके हम वेब सर्वर के ऊपर वो पर्टिकुलर इमेज को अपलोड कर सकते हैं, राइट. ASP.NET related जो टैग है, that is ASP:file upload, and HTML के related जो टैग है, that is input type equal to file. Again, I repeat, input type equal to file, right? All right. Now, कौन कौन सी properties है? First is file bytes, मतलब total number of bytes, right? कि जो वो particular file की है, in terms of array, वो हमें ये file bytes property में से पता चल जाएगा. नेक्स्ट इज फाइल नेम, जो क्लाइंट मशीन के ऊपर जो फाइल नेम है वो अगर हमें जानना है तो फाइल नेम प्रॉपर्टी में से हमें वो पता चल जाएगा. नेक्स्ट इज फाइल कंटेंट, अगर वहां पे फाइल अपलोड करने के लिए हमें कोई स्ट्रीम ऑब्जेक्ट यूज करना है, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करवाना है, तो हम ये फाइल कॉन्टेंट के अंदर वो ऑब्जेक्ट सेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज हैश फाइल, फाइल अपलोड कंट्रोल के अंदर यूजर ने कोई फाइल सिलेक्ट की है कि नहीं की है पहले हमें ये जानना है, तो हम ये हैश फाइल प्रॉपर्टी में से जान सकते हैं. इट विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स, अगर यूजर ने फाइल सिलेक्ट की है देन इट विल कंटेन ट्रू, अगर यूजर ने फाइल सिलेक्ट नहीं की है देन इट विल कंटेन फॉल्स. नेक्स्ट इज पोस्टेड फाइल, राइट, अगर हमें जानना है कि जो फाइल अपलोड हुई है, राइट, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, राइट, वो फाइल के रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है वो क्या है, देन वो हमें ये पोस्टेड फाइल प्रॉपर्टी में से मिलेगा. और वो कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्वियसली इट विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ HTTP पोस्टेड फाइल क्लास, राइट. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फाइल अपलोड कंट्रोल, एंड उसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड अवेलेबल है, दैट इज सेव एज मेथड, कि जिसका यूज करके हम जो फाइल यूजर ने सिलेक्ट की होगी, जो फाइल यूजर ने ब्राउज की होगी, वो हम वेब सर्वर के ऊपर अपलोड कर पाएंगे. दैट्स वाई दिस सेव एज मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड रिलेटेड टू दिस फाइल अपलोड कंट्रोल, राइट. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट कंट्रोल इज पैनल कंट्रोल. अगेन आई रिपीट, नेक्स्ट कंट्रोल इज पैनल कंट्रोल. And we know this panel control is a container control and it will contain another controls, right? तो अगर हमें वहां पे group of control जैसा generate करना है, right? ताकि हम panel को visible true false set करें, तो उसके अंदर जितने भी controls होंगे वो automatic hide show होंगे, right? तो वहां पे हम ये panel control का use कर सकते हैं. And ASP के अंदर उसके related जो tag है, that is ASP:panel. एंड HTML के अंदर जो उसके रिलेटेड टैग है, दैट इज DIV टैग. अगेन आई रिपीट, इट इज DIV टैग, राइट. ऑलराइट, नाउ हियर आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पैनल कंट्रोल. फर्स्ट इज बैकग्राउंड बैक इमेज URL, मतलब अगर मुझे ये पैनल कंट्रोल के अंदर बैकग्राउंड इमेज सेट करनी है तो वो इमेज का पाथ मैं ये प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकती हूँ. नेक्स्ट इज डायरेक्शन, राइट, जो भी मैं ये पैनल कंट्रोल के अंदर जो कंट्रोल प्लेस करूंगी उसका डायरेक्शन क्या होगा, दैट इज लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट, राइट, वो मैं यहाँ पे सेट कर सकती हूँ. नेक्स्ट इज ग्रुपिंग टेक्स्ट. ग्रुपिंग टेक्स्ट मतलब अगर मुझे वहां पे जो भी ग्रुप ऑफ कंट्रोल्स है उसके रिलेटेड कैप्शन सेट करना है, अगेन आई रिपीट, उसके रिलेटेड कैप्शन सेट करना है. फॉर एग्जाम्पल, इस हिसाब से ये पैनल कंट्रोल है, राइट, तो यहाँ पे मुझे एक टेक्स्ट सेट करना है ताकि पता चले कि यहाँ पे मैंने जितने भी कंट्रोल्स प्लेस किए हैं
राइट, वो कंट्रोल्स मैंने किसके रिलेटेड यूज किए हैं, तो मैं ये ग्रुपिंग टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करके इस हिसाब से मैं पैनल के रिलेटेड कैप्शन सेट कर सकती हूँ, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हॉरिजॉन्टल अलाइन प्रॉपर्टी, राइट। ये पर्टिकुलर पैनल कंट्रोल के अंदर जो भी कंटेंट हम रखेंगे उसका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होगा, लेफ्ट होगा या फिर राइट होगा, राइट। नेक्स्ट इज स्क्रॉल बार्स, अगर पैनल कंट्रोल के अंदर हम पैनल कंट्रोल की साइज से ज्यादा कंट्रोल्स प्लेस करते हैं तो वहां पे ऑटोमेटिक स्क्रॉल बार्स आनी चाहिए कि नहीं आने चाहिए, दैट इज ट्रू और फॉल्स, राइट। एंड अगर आती है तो कौन कौन सी स्क्रॉल बार आनी चाहिए, दैट इज वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दोनों, या फिर सिर्फ हॉरिजॉन्टल और सिर्फ वर्टिकल, वो हम ये स्क्रॉल बार्स प्रॉपर्टी का यूज करके सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रैप प्रॉपर्टी, राइट। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हमें पैनल कंट्रोल के अंदर जो भी हम कंटेंट प्लेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल, वो हमें दूसरी लाइन के अंदर रैप नहीं करवाना है, राइट। जो भी कंट्रोल्स हम प्लेस करेंगे वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ही हमें चाहिए, तो ऑब्वियसली वहां पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार अपने आप आ जाएगा, तो वो रैप कंटेंट हम ये पर्टिकुलर रैप प्रॉपर्टी का यूज करके सेट कर सकते हैं कि हमें वहां पे रैपिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट। ओके, नाउ सिमिलर अनदर कंटेनर कंट्रोल इज अ प्लेस होल्डर कंट्रोल। अगेन आई रिपीट, अनदर कंट्रोल इज अ प्लेस होल्डर कंट्रोल। ऑब्वियसली इट इज नॉट स्पेसिफिकली कंटेनर कंट्रोल, कंटेनर कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो उसके जैसा बिहेव करेगा, बट as the name says it will hold the place on our web page for other server controls. Again I repeat, it will hold the place on our web page for other server controls, and that's why it act as a container control. Again I repeat, that's why it act as a container control. And ये placeholder control के अंदर हम dynamically controls add कर सकते हैं, और ये हमने already देखा है कि जब मैंने आपको page के ऊपर और control के अंदर dynamically controls कैसे add कर सकते हैं वो दोनों examples आपको करवाए थे, HTML server control के भी और web server control में भी, right? तब हमने देखा था कि कैसे हम placeholder control के अंदर, right? ऑन द क्लिक इवेंट ऑफ द बटन कैसे हम कंट्रोल एड कर सकते हैं, वो हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल देखा है, राइट। गुड इनफ। नाउ हम ये पर्टिकुलर प्लेस होल्डर कंट्रोल के अंदर कंट्रोल्स कलेक्शन का यूज करके हम आइदर पर्टिकुलर कंट्रोल को एड कर सकते हैं या फिर इंसर्ट कर सकते हैं, अगर मुझे दो कंट्रोल के बीच में इंसर्ट करना है तो, या फिर प्लेस होल्डर कंट्रोल में से कोई कंट्रोल को रिमूव करना है तो भी हम कर सकते हैं, राइट। ओके, एंड ASP.NET के अंदर उसके रिलेटेड जो टैग है दैट इज ASP:PlaceHolder, राइट। ओके, अनदर कंटेनर कंट्रोल इज मल्टी व्यू कंट्रोल। अगेन आई रिपीट, अनदर कंटेनर कंट्रोल इज मल्टी व्यू कंट्रोल, एंड ऑब्वियसली इट इज अ कंटेनर कंट्रोल फॉर अदर व्यू कंट्रोल्स। Again, I repeat, it is container control for other view controls, right? मतलब अगर मुझे मल्टी व्यू कंट्रोल के अंदर कंट्रोल्स प्लेस करने हैं बट वो मुझे व्यू में ग्रुपिंग करके प्लेस करने हैं तो ऑब्वियसली मुझे मल्टी व्यू कंट्रोल के अंदर व्यूज एड करने पड़ेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मल्टी व्यू कंट्रोल के अंदर आप सिर्फ व्यू कंट्रोल्स ही एड कर सकते हो और बाकी सारे जो दूसरे चाइल्ड कंट्रोल्स है कि जो आपको ऐड करने हैं वो आप ये व्यू कंट्रोल के अंदर ऐड कर पाओगे, इसीलिए आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो, सी इट इज मल्टी व्यू कंट्रोल एंड विद इन दैट आई हैव प्लेस टू व्यू कंट्रोल्स, राइट। अगेन आई रिपीट, मल्टी व्यू कंट्रोल के अंदर आप सिर्फ व्यू कंट्रोल ऐड कर सकते हो एंड दूसरे जो चाइल्ड कंट्रोल्स है कि जो आपको विजार्ड क्रिएट करने के लिए यूज करने हैं वो आप ये व्यू कंट्रोल के अंदर प्लेस कर पाओगे, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर, एंड अलॉन्ग विद दैट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर रिलेटेड टू दिस मल्टी व्यू कंट्रोल इज एट अ टाइम यू कैन सेट ओनली वन व्यू एज एन एक्टिव व्यू। अगेन आई रिपीट, एट अ टाइम यू कैन सेट ओनली वन व्यू एज एन एक्टिव व्यू, मतलब आपको सेट करना पड़ेगा कि करंटली आपको कौन सा व्यू डिस्प्ले करना है,
राइट। एंड वो आप ये सेट एक्टिव व्यू मेथड का यूज करके भी कर सकते हो, और आप ये एक्टिव व्यू इंडेक्स प्रॉपर्टी है उसका व्यू कर उसका यूज करके भी आप कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट एक्टिव व्यू इंडेक्स प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू होगी -1। अगेन आई रिपीट, बाय डिफॉल्ट एक्टिव व्यू इंडेक्स प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू होगी -1, मतलब कोई भी व्यू डिस्प्ले नहीं होगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर व्यू डिस्प्ले करवाना है तो आपको ये एक्टिव व्यू इंडेक्स प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी, तो ही आप कोई पर्टिकुलर व्यू डिस्प्ले कर पाओगे और उसमें जो कंट्रोल्स है वो आपको पेज के ऊपर दिखेंगे। अगर वो प्रॉपर्टी एक्टिव व्यू इंडेक्स -1 की -1 है तो आपको पेज के ऊपर कोई भी चीज नहीं दिखेगी, राइट? ओके। एंड अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज व्यूज। ऑब्वियसली इट इज अ कलेक्शन ऑफ व्यूज, बिकॉज मैंने अभी अभी आपको बताया कि मल्टी व्यू कंट्रोल के अंदर तो आपको कंट्रोल्स प्लेस करेंगे, लेकिन आप व्यू कंट्रोल प्लेस करोगे तो वहां पे उसका जो कलेक्शन है वो आप ये व्यूज प्रॉपर्टी में से जान सकते हो, राइट? गुड इनफ। नाउ नेक्स्ट कंट्रोल इज अ टेबल कंट्रोल, राइट? एज द नेम सेज कि आपको अगर आपके कॉन्टेंट टेब्यूलर फॉर्मेट के अंदर डिस्प्ले करने हैं तो वहां पे आप ये टेबल कंट्रोल का यूज कर सकते हो, राइट? एंड आपको पता है कि टेबल कंट्रोल जो है इट इज सिमिलर टू टेबल टैग ऑफ HTML, कि जिसका यूज करके आपने आप HTML में भी टेब्यूलर फॉर्मेट के अंदर आपका कंटेंट डिस्प्ले कर सकते हो। बट अगर आप ये टेबल कंट्रोल यूज करते हो तो आप यहाँ पे टेब्यूलर फॉर्मेट के अंदर डायनामिक कंटेंट भी ऐड कर सकते हो। अगेन आई रिपीट, टेब्यूलर फॉर्मेट के अंदर आप डायनामिक कंटेंट भी ऐड कर सकते हो, राइट? नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ टेबल कंट्रोल इज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, राइट? आपको टेबल को कौन से अलाइनमेंट पे सेट करना है ऑन द पेज वो आप सेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज ऑब्वियसली रोज, बिकॉज टेबल के अंदर आप डायरेक्टली कोई भी कंटेंट ऐड नहीं कर सकते, टेबल के अंदर आपको रोज क्रिएट करनी पड़ेगी एंड रो के अंदर आपको सेल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, राइट? तो आप वहां पे ये कोई भी कंटेंट ऐड कर सकते हो। एंड फॉर दैट पर्पस जो आप प्रॉपर्टी यूज करोगे दैट इज रोज प्रॉपर्टी, एंड ऑब्वियसली इट इज अ कलेक्शन। नेक्स्ट इज ग्रिड लाइंस, मतलब टेबल के अंदर आपको ग्रिड लाइंस चाहिए और चाहिए तो कौन सी स्टाइल में चाहिए, राइट? वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, राइट? ऑलराइट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर टेबल है तो टेबल रो भी होगी एंड टेबल सेल भी होगा, राइट? सो टेबल रो है तो टेबल रो अगेन इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ क्लास, राइट? एंड वो कंट्रोल के हिसाब से ही वहां पे डिस्प्ले होगा, तो उसके रिलेटेड जो ASP के अंदर टैग है दैट इज ASP colon table row, एंड HTML के अंदर तो आपको पता ही है दैट इज TR टैग, राइट? कि जिसका यूज करके आप रो क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ASP.NET के अंदर आप ये टेबल कंट्रोल यूज करते हो तो उसके अंदर तो आपको स्पेसिफिकली ये टेबल रो क्लास का ही यूज करना पड़ेगा, राइट? नाउ उसके टू प्रॉपर्टीज है दैट इज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड वर्टिकल अलाइनमेंट। मतलब आप हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू द टेबल कॉन्टेंट ऑन द पेज, एंड वर्टिकल अलाइनमेंट इज द कॉन्टेंट ऑफ द रो। अगेन आई रिपीट, वर्टिकल अलाइनमेंट इज रिलेटेड टू द कॉन्टेंट ऑफ द रो, कि रो के अंदर जो कॉन्टेंट है उसका वर्टिकल अलाइन कौन सा होगा, दैट इज टॉप, मिडल या फिर बॉटम। और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के अंदर क्या होगा, लेफ्ट या फिर राइट एंड मिडल ऑब्वियसली या फिर जस्टिफाई, राइट? सो दीज आर द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू टेबल रो। नेक्स्ट इज टेबल सेल क्लास। ऑब्वियसली टेबल है, टेबल के अंदर टेबल रो है तो रो के अंदर हमें सेल्स क्रिएट करने ही पड़ेंगे, तो अगेन इट इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ टेबल सेल क्लास, राइट? सो अगर हमें हमारे टेबल के अंदर कंटेंट डिस्प्ले करने हैं तो वो हम सेल के अंदर ही कर सकते हैं, और वो हम टेबल के अंदर कैसे क्रिएट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ टेबल सेल, राइट? एंड यहाँ पे जो टैग अवेलेबल है दैट इज ASP colon table cell, एंड HTML के अंदर जो है वो तो आपको पता ही है दैट इज
टीडी, राइट, कि जिसका यूज करके आप टेबल डेटा जिसे कहते हो एचटीएमएल के अंदर, हम यहाँ पे उसे सेल कहेंगे, राइट, गुड इनफ। अगेन क्लास है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी होगी, हमने ये दो प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी देख ली, दैट इज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड वर्टिकल अलाइनमेंट। नाउ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज टेक्स्ट, बिकॉज ऑब्वियसली अगर हमें कोई पर्टिकुलर सेल के अंदर कॉन्टेंट डिस्प्ले करना है तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी चाहिए। उसके बाद वो टेक्स्ट को अगर हमें व्रैप करना है कि नहीं करना है वो सेट करना है, तो व्रैप प्रॉपर्टी का यूज करके हम सेट कर सकते हैं। एंड आपको पता है कि अगर आप टीडी की बात करो, राइट, टीडी टैग की बात करो, तो वहां पे आपके पास रो स्पान एंड कॉल स्पान वहां पे एट्रीब्यूट्स थे कि जिसका यूज करके आप ये सेट कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर सेल कितने रोज तक स्पान हो सकता है, या फिर ये पर्टिकुलर सेल कितने कॉलम तक स्पान हो सकता है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हम मर्ज करते हैं, सेल मर्ज करते हैं, वो हॉरिजॉन्टल दैट इज रो के मैनर्स में सेल मर्ज करने हैं, या फिर वर्टिकल दैट इज कॉलम के टर्म्स में आपको सेल मर्ज करने हैं, राइट, गुड इनफ। सो दीस वेर द कंट्रोल्स, थ्री थिंग्स, थ्री क्लासेस हम जिसे कहेंगे, दैट इज टेबल, टेबल रो एंड टेबल सेल, कि जो हम टेबल क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं, राइट, गुड इनफ।